أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بار الخلائق اجمعين الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني التهامي السيد البهي والسراج المزي والكوكب الدري بار الخلائق والسكينة المدفون بأرض مدينة أبي القاسم محمد بأواز بلند صلوات وعلى اطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى اصحابه الذين شعب الدين اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي ابن ابي طالب درود بر محمد واهل بيت محمد مجمع کافی ہے اگر تکلیف نہ سمجھیں تو درود مل کے بلند آواز سے تلاوت کریں इजाजत है नौकरी शुरू की बस दुआएं मंगवाने का भी वक्त नहीं है। मालिक गुलाम अब्बास फरीद का साहब की साया सलामत रखें, उनकी ये फर्श अदा बिछाई अपनी बारगाह में कबूल रखें करें और आप तमाम अजादारों का कदम कदम चल के आए अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाएं। जितना अच्छा पढ़ने वाले थे वो सब पहले पढ़ गए और जितना अच्छा पढ़ने वाले हैं अभी उन सबको मेरे बाद पढ़ना है। जनाब अबू ज़र साहब का हुक्म और इनसे वादा वफा हो गया बड़ी जल्दी बड़ी 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 जल्दी 20-20 मिनट गुलाम अब्बास फरीद का साहब बरज़ाकिर को बोल के गए थे मेंबर पे, मैं 10 मिनट भी पूरे नहीं पढ़ूंगा आपको सलाम करके। सर सवाल ही नहीं पैदा होता। मासूम फरमाते हैं जिन महफिलों में हमारा जिक्र होता है ना वहाँ हम सुनने वालों की सांसों में शिफाएं भर देते हैं। नुसरत चांडियो साहब बैठे हैं, अपना मुदस्सर इकबाल साहब बैठे हैं और निवास सेंदड़ साहब बैठे हैं, मुर्तजा कंबर साहब जिनका नाम मुझे नहीं आता उन सबसे माजरत। ये चार लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ जो हर हवाले से हर वे से मुझसे अच्छा पढ़ने वाले हैं, तो इन्हें लम्हा भी इंतजार नहीं करवाना। इन तमाम अच्छा पढ़ने वालों की अंजुमन में मुझे हकीर की हैसियत बस इतनी सी है जितनी हैसियत किसी हसीन चेहरे पर छोटे से तिल की होती है। ठीक है, आपको चार मिसरे सुनाते हैं, वो आपने सुन लिए तो चार और सुनाएंगे, वो ना सुने तो इन्हीं चार पे सलाम कर जाएंगे। मौला आपको सलामत रखे। मिसरा अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे सजदों को नूर देकर करम ये सज्जाद कर गए हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जाकिर कभी नहीं मरेगा, आप चुप रहेंगे आपकी आवाज जरा भी घबराना नहीं है, मेरी आवाज आपको आती रहेगी। मिसरा के हमारे सजदों को नूर देकर करम ये सज्जाद कर गए हैं। जनाब गुलाम अब्बास फरीद का साहब तशरीफ ले आए, एक इनकी पर्सनैलिटी बस जल्दी 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 ना 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 ये सलवाते मेरे बाद। इतने बड़े जाकिर जनाब गुलाम अब्बास फरीद का साहब हैं कि इनकी पर्सनैलिटी ये डिजर्व करती है ने कहा जाए। उम्र गुजरी दश्त की सयाही आई, मीर अनीस ने कहा था पांचवीं पुश्त है शब्बीर की मताही आई। किबला फरीद का साहब, मैं 2014 से आपका फैन हूँ, बेटा आपका बाद में बनूं। पहला मिसरा मैं पढ़ चुका हूँ आपके जलसे में, पहली बार आया हूँ और अपने भाई के कहने पे आया हूँ। दूसरा मिसरा पढ़ लूँ अपने मजमे से कहें कि उतनी कीमत दें जितनी मेरी बनती है, मैं यहीं सलाम करके चला जाऊँ। मैं पढ़ता पाया हूँ इन्ना न दिती तो थोड़े को मैं पूछता जरूर हूँ गल का वजन कर। हमारे सजदों को नूर दे, बस निशावर कर रहा हूँ कोई डिटेल नहीं। हमारे सजदों को नूर देकर करम ये सज्जाद कर गए हैं, हमारे घर के सभी मुसल्ले फलक के तारों से भर गए। इसकी इको बंद करो भाईजान, इको बंद करो। हमारे सजदों को नूर देकर करम ये सज्जाद कर गए, हमारे घर के सभी मुसल्ले फलक के तारों से। कोई एटीट्यूड कोई रूड वाली बात ही नहीं है। मौला की कसम माफी मांग के सबके सामने कह रहा हूँ, लंबा पढ़ने से जाकरी नहीं चलती, ज्यादा जोर लगाने से जाकरी नहीं चलती। मिंबर पे कह रहा हूँ 2022 आ गया, ज्यादा दाद लेने से भी जाकरी नहीं चलती। इंसान का निजाम चलता है मुनफरिद और कीमती बात करने से। माजरत के साथ ये वीडियो बन रही है और खुले लफ्जों में कह रहा हूँ, आप
कोई ऐसी बात करें जो बात नहीं है, जिस बात से कम अज कम अगले को भी तोशा आखिरत मिले और आपका भी सामान्य सफर हो जाए, ये बातें नहीं जाकर चलाती है। माजरत के साथ निजाम ही कुछ और चल रहा है। हमारे सजदों को नूर देकर करम ये सज्जाद कर गए हैं। हमारे घर हमारे सजदों को नूर देकर करम ये सज्जाद कर गए हैं। हमारे घर के सभी मुसल्ले अबू जर भैया अपने मजमे से कहीं उतनी कीमत है जितनी बनती है, मैं ज्यादा मांगू, मैं जनाब का नहीं, मैं आले मोहम्मद का भी मुजरिम हूँ। हमारे सजदों को नूर देकर, भाई इसकी को बंद कर रहा, हमारे सजदों को नूर देकर करम ये सज्जाद कर गए हैं। हमारे घर के सभी मुसल्ले फलक के तारों से भर गए हैं और जमीन कर्बो बला से उठकर अभी जो नैज़ों पे सर गए हैं, यजीदियत को सजा सुनाने ये अपने मुजरिम के घर गए। अल्लाह इन हाथों को किसी का मोहताज न करे। जरे पीछे बैठे हो, जरे उठ गल खरीदार हो, मिल के बोलो हाथ से नारे हैदरी। जमीन कर्बो बला से उठकर, जमीन कर्बो बला से उठकर बुजुर्गों बाबूजू खलोता मौला दा मिंबर अलमैन दे विच दाद वाला बुत्ती अपने अंदर से मार के पढ़ो। दाद मंग नहीं छोड़ दी है, दाद के पीछे लड़ना ही छोड़ दिया। इस तरह उठ के बोले हैं तो मैं बखील बनता हूँ। मिश्रा आपके हवाले कर रहा हूँ, बतौर खास समाज फरमाइएगा। शायरी क्या होती है भाई मुर्तजा से बैठ के पीछे भी हम लोगों ने ना वो उर्दू के नॉवल निगार और बड़े बड़े लिखारी, बड़े बड़े राइटर्स और वो मीर तकी मीर और मिर्जा गालिब के जमाने में हम पहुंचे हुए थे। उर्दू जबान एक बाखुदा बहुत बड़ी जबान है। जॉन एलिया के भाई थे रईस अमरोही, पूरी नज्म लिख के चले गए कब्र में और बात एक एंड कर गए। उर्दू का जनाजा है जरा धूम से निकले, उर्दू जबान ही खत्म हो गई खुदा की कसम, मफलूज हो गई नहीं ये जबान, अब जो इस्तेमाल हो रहा है खुदा की कसम जख्मी हो गई ये जबान। मैं मिस्र आपके हवाले कर रहा हूँ, तकरीबन कोई 18 जुलाई थी 2019 की, पाकिस्तान से इंग्लैंड एक फ्लाइट जा रही थी हीथ्रो एयरपोर्ट पे, लाहौर से हीथ्रो। पाकिस्तान भर के जाकिरीन थे जिसमें यह मिस्कीन भी जा रहा था, ये कलाम अपने आप को सुना रहा था। मैं डिजर्व ही नहीं करता कि मैं शायरी कर सकूं, लेकिन उनके खजाने में कमी कोई नहीं है। मिस्र आता हो गया, पहली बार जाके नॉर्थ पढ़ दिया, पता नहीं कितनी दाद हुई, मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने जो कोशिश की मैं वो आपके सामने रख रहा हूं, फैसला आपने खुद करना है। ये बंदे हुए हाथों की लाज रखिएगा। दो शेर पढ़े दूसरे और अगले पे सलाम कर जाऊंगा। हमारे सजदों को नूर देकर करम ये सज्जाद कर गए हैं। हमारे घर के सभी मुसल्ले फलक के तार, मौला अली असगर लिखने की कोशिश की अंकल फरीद का, हमारे घर के सभी मुसल्ले फलक के तारों से भर गए हैं, जमीन कर्बो बला से उठकर पे सर गए हैं, ऐ यजीदियत को मुझे तक सजा सुनाने ये अपने मुजरिम के घर गए हैं। और चली तबस्सुम की ज़र्ब जिस दम ये अपने बाबा से बोले असगर, ये सारे गाजी से क्या लड़ेंगे, ये मेरे हंसने से मर गए। जेड़ा बंदा नहीं बोलिया नहीं मदरसे, जेड़े बोल सकते हो हद से आके बोलो सखी लाल कलंदर। ठीक है, आखिरी दो लाइनें और जा रहा हूं, बस बराबर रहिएगा। हमारे सजदों को नूर देकर, डरा तो नहीं मैं पढ़ता प्यार कर, हमारे सजदों को नूर देकर करम ये सज्जाद। उतर खलो जा मलंग उतर खलो जा। साहिवाल में ना पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जरिए तमाम मुशायरा हो रहा था और पाकिस्तान भर की गजल गोश हो रहा थे। उनमें एक शायर यासिर मकसी आ गया, उसने अहले बैत की शान में कोई ऐसा काम कर दिया, तमाम सोशल मीडिया बैठी थी कि शिया कौम तक वो मिस्रे पहुंचते गए और स्टोरीज और स्टेटस लग गए। मिस्रे ने याद है मजमा उठ के बोले दाद थोड़ी बात बड़ी है, मलंग वेखे तो मैंने याद आ गए। उसने गजल गोश आराम में आके कहा था जमाना याद रखे, मैं यासिर मकसी ऐलान कर रहा हूँ, ऐ मुनकर हैदर तेरे बारे में नहीं है, वल असर जो मोमिन है खसारे में नहीं है, हसनैन के सदके में अता कर तो मैं ले लूं, वरना तेरी दुनिया मेरे वारे में नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। न्याज आनी है हूं शुरू हुई तो मैं रहता पा मौला बड़े दंग लेने, क्यों मेरी दो मजलसा पैं मैं लेट होया करना। हमारे सजदों को नूर देकर करम ये सज्जाद कर गए, हमारे घर के सभी मुसल्ले फलक के तारों से भर गए, जमीन कर्बो बला से उठकर अभी जो नैज़ों पे सर गए। परेशान तो नहीं हो, पीछे वाले परेशान तो नहीं हो। यजीदियत को सजा सुनाने ये अपने मुजरिम के,
बाकिर जाफिर मुल्तान अज़दारी मालिक तौफीकात खैर में इजाफा फरमाएं। भैया एक काम करना है, इसे फेरना है, मुझे बंदा दिखाना है जो हाथ ना उठाए। मैं उसके पास जाके उसे रीजन पूछूंगा, लड़ूंगा नहीं कि मुझे दाद क्यों नहीं दी, वजह पूछूंगा कि यार बात क्या, मजमा भी खड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ी से बड़ी दाद भी हो जाएगी, होगा क्या, मैं मुश्किल बात करना चाह रहा हूँ। किबला गुलाम बास फरीद का साहब, आधी सदी गुजर गई है आपको जाकरी में, मेरी हैसियत ही नहीं है, मैं जुतियां जोड़ रहा हूँ, आधी सदी बनती है आपकी जाकरी सर्विस, माफी मांग के कह रहा हूँ। मौलाना बिलाल काजमी लखनऊ से शायर है, मैं जब नहीं रह पाता तो उन्हें कॉल करके पूछता हूँ कि किबला किस मंजिल पे बैठ के ऐसे शेर लिखते हैं। मैं एक मिसरा आपके सामने रख रहा हूँ, जिस दिन से शेर सुन रहे हैं ना, शायरी की दुनिया में इससे पहले इस मजमून पे इससे बड़ा शेर सुनाओ नहीं बोलना। जिक्र छोटी गल नहीं है, बात किससे कर रहा हूँ ये देखिए, जिक्र की कसम अगर पहली बार सुने तो मजमे में से बंदा बताना है जो हाथ ना उठाए। यही मिंबर छोड़ के सलाम करके जा रहा हूँ, हमारे सज्जाद कर गए नहीं आया, वो बंदा आया ही नहीं है जिसने हाथ नहीं उठाना, समझने के बाद करम ये सज्जाद कर, उसके भी बोल तो दांत थोड़ी है, बात बड़ी है, मैं तो दुआ का तलब गा रहा हूं, वो दौर में जा रहा हूं। करम ये सज्जाद कर गए हैं, फलक पे तारों से भर गए हैं, अभी जनेजों पे सर गए हैं, यजीदियत को सजा सुनाने ये अपने मुजरिम के घर गए। बाबा ये सारे गाजी से क्या लड़े, ये मेरे हसने से मर गए हैं। और मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, हसीन चेहरा सवार में उन्हें जरूरत थी आईने की, फिर उठा ली यूसुफ ने खाक उधर की, जिधर से अकबर गुजर गए। जरा बोल सकते हो, जरा खांदे हुसैन दा हच्चा के बोलो नारे हाई। या अली मदद सारे मवालिया, चूंकि अज मजलसा बहुत ज्यादा पूरे अपर पंजाब भी, मेरे एरिए भी त्रै मजलसा, जाकरीम जी भी आते पढ़ते, सारे जाकर मैं हथ बन के, मेरे बड़े मसरूफ जाकर काफी देर तू बैठे, तो हम बिना तीजा कर काफी देर तू बैठे, मजलिस पूरी सुनावे 15-15, 20-20 मिनट ना साढ़े कुछ पल्ले, मेरी साल की मेहनत, अल्लाह तुहानू बख्त लाए मेरी।